Dear student of class 6, I am continuing my lecture on your chapter number 11, algebra. Last lecture में हमने 11.2 exercise करी थी, आज मैं 11.3 exercise start करा रही हूँ. उसका first question है, make up as many expression with numbers, no variables. मतलब numbers only use करने, variable use नहीं करने. Variable क्या बताए थे आपको मैंने, x, y, z, t, n. ठीक है, दीज आर वेरिएबल दैट कैन टेक एनी वैल्यू. तो हमने सिर्फ नंबर्स यूज करते हैं, नंबर्स लाइक 1, 2, 3, -1, -2, -3. दीज एज यू कैन फ्रॉम 3 नंबर्स, बट नंबर्स आर आल्सो गिवन एज 5, 7, 8. और कोई नंबर इस्तेमाल नहीं करने, सिर्फ 5, 7, 8 करने हैं. एवरी नंबर शुड बी यूज्ड नॉट मोर देन वंस. और कोई भी नंबर एक बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना. यूज ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन. आपने सिर्फ 3 नंबर यूज करने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, 5, 7 एंड 8. एंड द एक्सप्रेशन एंड द एक्सप्रेशंस यूज्ड आर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. ओके, तो ये 3 नंबर लेकर आप कितने ही एक्सप्रेशन बना सकते हो. कैसे, जैसे 5 प्लस ब्रैकेट लगाई 7 माइनस 8, मतलब 7 माइनस 8 को सब्ट्रैक्ट करके उसमें 5 ऐड कर दो. अब 7 को इधर कर दो, 5 को इधर कर दो, 7 प्लस 5 माइनस 8. अब 5 को इधर कर दो, 8 को उधर कर दो, तो 8 माइनस 5 हो गया, बीच में 7 प्लस 8. ये दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो आपने ऑपरेशन जो यूज करने हैं वो ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन करने हैं. और कितने ही एक्सप्रेशन बन सकते हैं. ठीक है, अब मल्टीप्लाई पे आ जाओ. 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 5, 7 प्लस 8 मल्टीप्लाइड 5. पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर ऐड कर दो, ऐसे कितने ही बन सकती है. देयर इज नो लिमिट, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है. जैसे आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है तो चलो यहाँ से बीच में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बजाय एडिशन के, तो एक्सप्रेशन अलग बन गया. तो इस तरह से नंबर की शफलिंग भी कर सकते हो और ऑपरेशंस की शफलिंग भी कर सकते हो और कई बहुत सारे एक्सप्रेशंस बना सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली, हमें वो एक्सप्रेशन बताना है जो सिर्फ नंबर में है. नंबर में इसमें बाकी जितने भी एक्सप्रेशन है उन सब में वेरिएबल यूज है. एक आपका सी पार्ट है और एक आपका डी पार्ट है जिसमें सिर्फ नंबर्स है और कोई भी वेरिएबल नहीं है. सी एंड डी, ठीक है, सी तो मैंने लिख दिया, डी भी लिख देते हैं. ठीक है, तो सी एक्सप्रेशन में भी ओनली आपके नंबर्स यूज है. विच आर 5 × 21 - 7 + 7 × 2. तो इसमें भी सिर्फ आपका क्या है, नंबर्स यूज्ड है, नोट द वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल इसमें नहीं आ रहा है. तो दीज एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड ऑफ ओनली नंबर. अब थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन. इसमें हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं और हमें बताना है उसमें कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा है. जैसे देखो, जेड प्लस वन तो एडिशन है, जेड माइनस वन तो सब्ट्रैक्शन है. एक वेरिएबल टर्म है और एक कॉन्स्टेंट टर्म है, एक वेरिएबल टर्म है एक कॉन्स्टेंट टर्म है. 17 × y, तो इसका मतलब होता है 7 × 17 का मतलब होता है 17 × y, तो मल्टीप्लीकेशन. 17 इज ए कॉन्स्टेंट टर्म एंड y इज अ वेरिएबल टर्म. ऐसे y/17, तो y/17 तो डिवीजन इज यूज्ड, अपोन में आ गए या कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई. ओके, तो सिर्फ आपने बताने व्हाट ऑपरेशंस आर बीइंग यूज्ड. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो. फोर्थ क्वेश्चन में हमें, फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक्सप्रेशन बनाना है और हमें वर्ड फॉर्म दे रखी है. जैसे 7 added to p, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाऊंगी, 7 + p, एडिड मतलब पॉजिटिव, एडिड टू मतलब पॉजिटिव, 7 subtracted from p, मतलब 7 को p में से सब्ट्रैक्ट करो, तो p पहले आएगा ध्यान रखना, और सब्ट्रैक्ट किसको करते हैं 7 को, तो p − 7, p/7, तो p/7, p/7, तो इस तरह से आपने एक्सप्रेशन फॉर्म कर. अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं. ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको मैंने काफी सारे पार्ट्स बता दी, इसका एच पार्ट और बता रही हूँ. एच पार्ट में क्या है, p मल्टीप्लाइड बाय -5, p मल्टीप्लाइड बाय -5
का बन गया। पहले मैंने साइन मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस का माइनस, आगे कुछ नहीं है तो मैं वन लगा सकती हूँ, ठीक है। नहीं तो अंडरस्टूड है फाइव वन का फाइव पी, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन की ए पार्ट में भी स्टेटमेंट दे रही है, एक्सप्रेशन हमने बनानी है। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है इलेवन एडिड टू टू एम, इलेवन एडिड टू टू एम, इलेवन को हमने टू एम में ऐड करना है, तो टू एम प्लस इलेवन, ठीक है ना। जब ऐड की बात होती है तो इलेवन पहले लिखो या टू एम पहले लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इलेवन प्लस टू एम लिखोगे तो भी ठीक है, टू एम प्लस इलेवन लिखोगे तो भी ठीक है। डी पार्ट देखो, फाइव टाइम्स वाई फ्रॉम विच थ्री इज सब्ट्रैक्टेड, फाइव टाइम वाई जिसमें से हमें तीन को सब्ट्रैक्ट करना है। स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझने कि किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है सब्ट्रैक्शन के केस में। फाइव टाइम्स वाई फ्रॉम विच थ्री इज सब्ट्रैक्टेड, जिसमें से थ्री को सब्ट्रैक्ट करना है। अगली स्टेटमेंट देखो, वाई इज मल्टीप्लाइड बाय फाइव एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। दोनों स्टेटमेंट में देखो क्या फर्क है, इसमें क्या है y को 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट आएगा उसे 16 में से माइनस करना है। द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16, रिजल्ट क्या आ रहा है 5y, 5 मल्टीप्लाई बाय y, सब्ट्रैक्ट किस में से करना है 16 में से, तो 16 माइनस 5y। तो दोनों स्टेटमेंट में मामूली सा डिफरेंस है, आपको ये समझना है कि किसको आगे रख के किसको पीछे रख के सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें था फाइव टाइम्स वाई फ्रॉम विच थ्री इज सब्ट्रैक्टेड, जिसमें से थ्री को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब फाइव टाइम वाई में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब फाइव में माइनस थ्री, और इसमें रिजल्ट को 16 में से माइनस करना है, तो बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरह से सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको पहले जो है वो टी और फोर दो नंबर दे रखे हैं, मतलब एक वेरिएबल है एक नंबर है टी एंड फोर, और जितने मर्जी एक्सप्रेशन बना सको बनाओ, वन नंबर एक्सप्रेशन टी एंड फोर, फोर को यूज करते हुए। तो टी प्लस फोर, टी माइनस फोर, टी बाय फोर, टी मल्टीप्लाई बाय फोर, ठीक है। बी पार्ट है, बी पार्ट में तीन दे रखे हैं, एक वेरिएबल है दो नंबर है वाई टू एंड सेवन, और दो नंबर एक्सप्रेशन बनाना है, जैसे वाई प्लस टू, वाई प्लस सेवन, वाई बाय सेवन, वाई माइनस टू, वाई माइनस सेवन, सेवन माइनस टू, लेकिन सेवन माइनस टू मत बनाना क्योंकि y is necessary need, every expression must y having it, तो y का होना जरूरी है, ठीक है। टू और सेवन को चेंज कर दीजिए, ओके। तो अब आपकी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो गई है, आपने इसको वेल प्रिपेयर करना है और साथ में करके मेरे पास सेंड कर देना है, एग्जाम्पल्स भी ट्राई करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो व्हाट्सएप पे शेयर करना, ओके, थैंक यू।